नमस्कार दोस्तों, आप सबका फ्यूचर ऑटो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मारुति सुजुकी की आने वाली नई एस्प्रेसो माइक्रो एसयूवी पर। एस्प्रेसो मारुति की तरफ से सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग है अपने इंडियन बायर्स के लिए। बात करें कि कैसे मारुति एस्प्रेसो को डिजाइन से रियलिटी में लेकर आई, तो जो एस्प्रेसो एसयूवी है इसका कंसेप्ट सबसे पहले फ्यूचर एस के नाम से ऑटो एक्सपो 2018 में, जो कि ग्रेटर नोएडा में फरवरी में हुआ था, वहां पर इसको प्रदर्शित किया था। लगभग 1.5 साल के समय अंतराल के बाद इस फ्यूचर एस कंसेप्ट को एस्प्रेसो का नाम मिला और फिर यह एसयूवी जुलाई और अगस्त के महीने इसी साल से सड़कों पर टेस्ट होते हुए कई बार देखी भी गई। मारुति एस्प्रेसो एसयूवी को 30 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। अभी हाल ही में मारुति ने एक्सएल 6 एमपीवी, जो कि इर्टिगा का ही लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, उसे लॉन्च किया था, जो अब नेक्सा शोरूम से सेल की जा रही है। आइए अब हम अपने मेन टॉपिक जो कि मारुति एस्प्रेसो है उस पर फोकस करते हैं। एस्प्रेसो मारुति सुजुकी के हर टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इस प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई नई वैगनार भी बनाई गई है। ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराता है और ज़्यादा हाई सीटिंग कैपेसिटी होने के कारण इसमें स्पेस ज़्यादा है और अंदर से बाहर का जो व्यू है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर मिलता है। एस्प्रेसो को पावर देगा 1 लीटर का 998 सीसी वाला BS6 कंपैटिबल पेट्रोल इंजन। ये इंजन 67 हॉर्स पावर जनरेट करता है मैक्सिमम 55,000 RPM पर। आइए एस्प्रेसो के कर्व वेट की बात करते हैं। कर्व वेट आप सब जानते ही हैं, खाली गाड़ी का वजन होता है बिना किसी लोड के। तो एस्प्रेसो का जो कर्व वेट है वो कंपनी की तरफ से दिया गया है 726 किलोग्राम। बात करते हैं कि एस्प्रेसो को कितने वेरिएंट्स में मारुति ऑफर करने वाली है। तो आपको बता दें कि मारुति सुजुकी एस्प्रेसो माइक्रो एसयूवी को कुल 9 वेरिएंट्स में ऑफर करेगी। ये वेरिएंट्स हैं, पहला स्टैंडर्ड ऑप्शनल, ये एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है, बेस वेरिएंट हम इसे कह सकते हैं, इसमें ऑप्शनल किट प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा है LXI, तीसरा है LXI ऑप्शनल, चौथा है VXI, पांचवा है VXI ऑप्शनल, छठा है VXI प्लस, सातवां है VXI ऑटोमेटिक, आठवां है VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक और लास्ट वन जो है वो है VXI प्लस ऑटोमेटिक। आइए बात करते हैं गाड़ी की लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में। तो गाड़ी की लेंथ है 3665 मिलीमीटर और विड्थ है 1520 मिलीमीटर। अब हाइट की बात करें तो ये गाड़ी की हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के व्हील्स जो है ऑफर किए जा रहे हैं, टायर साइज जो ऑफर की जा रही है, एक टायर साइज है 13 इंच की और दूसरी टायर साइज है 14 इंच की। जिन वेरिएंट्स में 13 इंच वाले टायर्स लगे हैं उसकी हाइट होगी 1545 मिलीमीटर और जिन वेरिएंट्स में 14 इंच वाले टायर लगे हैं उसकी हाइट होगी 1564 मिलीमीटर। दोनों में लगभग 20 mm का फर्क है। आइए गियरबॉक्स की बात करते हैं कि मारुति एस्प्रेसो में कौन कौन से गियरबॉक्स हमें ऑफर करेगी। तो हमें इसमें दो तरह के गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे, पहला है 5-speed मैनुअल और दूसरा है 5-speed ऑटोमेटिक। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस इसका काफ़ी कम्पिटिटिव होने की उम्मीद है। तो इसका प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 लाख से 5 लाख एक्स शोरूम के बीच में। लॉन्च होने के बाद ये माइक्रो एसयूवी सीधे सीधे कम्पीट करेगी रेनो की क्विड के साथ, डाटसन रेडिगो के साथ, टाटा टियागो और भी कई छोटी गाड़ियां हैं उनके साथ ये कम्पीट करेगी।